हेलो फ्रेंड्स, वेट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हैं और वो है कि यदि आपने लाइफ में पहली बार पेट लिया है और आप फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट बनने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पेट जो है वो हमारा एक फैमिली मेंबर बन जाता है। जैसे वो घर आता है उसी दिन से हमारा फैमिली का अहम सदस्य बन जाता है वो, और वो छोटा बच्चा होता है, लगभग 30, 35, 40 या 45 दिन का होता है और उस दौरान हमें हमारे छोटे बच्चे की तरह ही उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए कुछ बातों पर हम गौर करते हैं और हम ये देखते हैं कि जब हम एक बार पेट को लाते हैं, पपी को लाते हैं घर पर, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ फ्रेंड्स, कभी भी उसे दूध ना दें, कंप्लीट मिल्क ना दें, होल मिल्क जिसको हम कहते हैं वो ना दें। और यदि आप दूध देना चाहते हैं तो उसमें आप बराबर मात्रा में, बराबर क्वांटिटी में पानी ज़रूर मिलाएं। बहुत से पेट पेरेंट हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट दूध दे देते हैं गाय का या भैंस का, वो उनके लिए लैक्टोज इंटॉलरेंस का कारण होता है और उनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डायरिया हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स के कभी भी उसे 3 महीने की उम्र तक बाथ ना दें, उसे नहलाएं नहीं। और 3 महीने से पहले यदि आप नहला देते हैं तो चांसेस ये रहेंगे कि वो ज़रूर ज़रूर बीमार पड़ सकता है, इसलिए 3 महीने की उम्र से पहले आप उसे ना नहलाएं। और इस दौरान अगर डॉग की बॉडी में स्मेल है या फिर आपको लगता है कि उसे हमें साफ़ सफाई में रखना चाहिए तो बहुत से मार्केट में पेट ड्राई बाथ प्रेजेंट होते हैं, मिल जाएंगे आपको, ड्राई बाथ का इस्तेमाल करें। उसे नहलाना नहीं है जब तक कि वो 3 महीने का ना हो जाए। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड के पपी को कभी भी बीमार पड़ने पर ह्यूमन मेडिसिन ना दें, हमारी खुद की दवाइयां ना दें। और जैसे बीमार पड़ता है या थोड़ा लूज होता है उसे आप वेटनरी डॉक्टर के पास ही ले जाएं। आप अपने अनुसार आसपास के लोग जो कि पेट रखते हैं उनकी सलाह पर ना जाएं, उसे आप वेट को दिखाएं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड कि आप जो है उसका वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग जरूर करवाएं और वेटनेरियन की सलाह से उसको लाते ही, अगर वो 30 दिन से ऊपर का है तो उसे लाते ही आप उसकी डीवर्मिंग करवा दें। डीवर्मिंग का मतलब होता है पेट में कीड़े मारने की दवाई देना और इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप दे सकते हैं। साथ में उसका वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं क्योंकि पेट छोटा पपी होता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है, कमज़ोर होता है और वो स्ट्रेस में भी रहता है, नए एनवायरनमेंट में, नई जगह पर रहता है, इसलिए हो सकता है वो बीमारी के पकड़ में आ जाए। इसलिए आपको वैक्सीनेशन ज़रूर ज़रूर करवाना चाहिए अपने पेट का। कुछ और बातें जो हमें ध्यान रखनी होती है फ्रेंड्स कि कभी भी डॉग को ह्यूमन बिस्किट्स ना दें, ह्यूमन बिस्किट्स में शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और उनको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और लाइफ में आगे जाकर के उनको डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरा, उन्हें कभी भी खट्टे फल ना दें, खट्टे फल उनके लिए टॉक्सिक होते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, उसे कभी भी ऑनियन और गार्लिक नहीं देना चाहिए। इस पर हमने वीडियो बना रखी है जिस पर हमने ये बताया है कि कौन से फूड जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं डॉग्स के लिए, ये आप जरूर ध्यान रखें। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स कि उसे ह्यूमन सेरेलैक, हमारे इंसानों के बच्चों का सेरेलैक कभी ना दें। पेट सेरेलैक अलग आते हैं, पप सेरेलैक अलग आते हैं, आप उन्हें ही हमेशा उसे दें। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं फ्रेंड्स जो कि हमें हमारे पेट के लिए, हमारे पपी के लिए ध्यान में रखना चाहिए। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, हम ज़रूर उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना करके देंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है आपके डॉग की हेल्थ से रिलेटेड या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और उस पर हमारी एक वीडियो है जिस पर हमने मिनिमम चार्जेस पर ऑनलाइन कंसल्टेंसी रखी हुई है। थैंक यू वेरी मच।